अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। हम घूमने के लिए अजमेर जा रहे हैं, इसलिए सफ़र में टिफ़िन में मैंने कौन कौन सी चीज़ें बनाकर ली हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें ली हूँ। ये मूंगफली की चटनी है, ये सूखी वाली मूंगफली की चटनी है। ये हम इसे 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। कमेंट करेंगे तो मैं इसकी भी रेसिपी डाल दूंगी। ये सूखे खोपरे की चटनी है, ये भी बहुत ही टेस्टी तैयार हुई। इसे भी आप कम से कम 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, ये भी ख़राब नहीं होंगी। ये पोहे का चूड़ा है, ये भी बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। ये भी मैंने 1 किलो का साथ में बना कर ले लिया है। ये भी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुआ है। ये ग्रीन चिकन है, ये भी बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। ये सूखा ग्रीन चिकन है, इसे भी आप कम से कम 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन है इसलिए 2 दिन तक चल सकता है। ये तवा चिकन है, ये भी बहुत टेस्टी तैयार हुआ है। ये भी कम से कम 2 दिन तक ख़राब नहीं होगा, एकदम सूखा बना हुआ है इसलिए ये भी बहुत टेस्टी तैयार हुआ है। और ये खजूरे, गेहूं के आटा और गुड़ के खजूरे, ये भी 1 महीने तक स्टोर करके भी आप रख सकते हो, ये भी ख़राब नहीं होंगे। ये सब रेसिपी मैंने तैयार कर ली है। अभी अजमेर में सफ़र में हमें 2 दिन तक सफ़र में काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रेन में खाना अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए हमने ट्रेन में खाने के लिए ये सब चीज़ें बना कर ली है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस सब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।